हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? तो होप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं कल का मार्केट किस तरीके से होने वाला है, 24 अक्टूबर का मार्केट किस तरीके से होने वाला है, कहाँ ट्रेड करना है हमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और जिस तरीके से आज के लिए मैंने गाइड किया हुआ तो आप लोग जाके क्रॉस चेक कर लेना, टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब पे जाके आप लोग चेक कर लो कि जो जिस तरीके से मैंने आप लोग बताया था वो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और लाइव मार्केट पे मैं एक अपडेट दिया हुआ था, एक लिंक, एक लाइन ड्रॉ करके मैंने सेंड किया हुआ था, आप लोग जाके चेक करना। सेम इसी पोजिशन पे 24,400 के आसपास मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके सेंड किया हुआ था। यदि ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड अच्छा खासा मूव आता है। देखो कल का मार्केट किस तरीके से होने वाला है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ पे मार्केट आज क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है मार्केट में कि यदि कल इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है अपसाइड, 24,600 यदि अपसाइड ब्रेक नहीं करता है मार्केट तो क्या होगा, इस लेवल को टच करेगा, यहां से डाउन मूव देगा, हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट मूव करे। हाँ, यदि ये लेवल डाउन साइड यदि ब्रेक कर देता है, 24,400 यदि ब्रेक करता है तो हाई चांस है मार्केट का कि 24,200 तक का आप लोग को मूवमेंट यहाँ पे दिखाएगा मार्केट, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करता है तो 24,000 का और बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी के सभी अभी क्या है, वीक है, ठीक है। अभी इस ये मूवमेंट हो सकता है, इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, 24,000 तक का मूवमेंट हो सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा 24,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 24,000 का, ठीक है। हाई चांस है कि आपको ये लेवल टच होते हुए दिखे। यदि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 24,600 ब्रेक नहीं होता है तो एक डाउन मूव का चांस है, इस लेवल को टच करेगा और यहीं पे मार्केट हो सकता है, जैसे आज एसएल हंटिंग कंटिन्यू हुआ है, ठीक है ना, यही मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी देखो क्या हो रहा है, बार बार देखो ये सिंगल कैंडल 5 15 में टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना, ठीक है ना। यहाँ पे जो पर्सन भी एंट्री किए होंगे, एसएल हिट हुआ होगा, अच्छा खासा एक हेल्दी कैंडल ट्रेड कैंडल बना, अभी देख लो आप लोग, ठीक है ना। सेफ ट्रेड तभी मिलेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से इसी इसी तरीके से, ठीक है, इसी रेंज में आप लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलेगा, लगभग कितने पॉइंट का, 200 पॉइंट का, ठीक है। हाँ, बीच में 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप लोग लंबे टारगेट के लिए जा सकते हो, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी तब तक वीक रहेगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता अपसाइड, 51,600, मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट अप नहीं जा सकता है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, वीक है बैंक निफ्टी भी, ठीक है। आज इसमें भी मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया हुआ था ड्रॉ करके और अच्छा खासा वो लेवल फॉलो हुआ है, ठीक है। लेवल क्या था मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल था, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल था ये ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ था और क्लियर बोला हुआ था कि यदि अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट का मूवमेंट अपसाइड हो सकता है, डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन साइड। बट क्या हुआ, 1 15 15 15 मतलब लगभग 30 35 45 मिनट के बाद ना मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है ना, इस तरीके का मार्केट हो गया, ठीक है, और ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं था यहाँ पे एसएल हंटिंग। अब कल का बता दे तो कल यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, 51,600 ब्रेक होता है तो एक अप मूव आप लोगों को दिखा सकता है। यदि ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, कहाँ पे 51,100 ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट का यहाँ से मूवमेंट आ सकता है, कहाँ तक का, 51,000 का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के। ये लेवल ब्रेक होता है तो हाई चांस है कि 51,700 तक का आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। बट एक यहाँ पे रिस्की ट्रेड ये होगा कि 51,000 टच करने के बाद एक अप मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यहाँ पे सेफ रहना, यहाँ पे सेफ रहना, 50% लॉट बुक करके एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये सेफ रहने का जोन, ठीक है ना। हाँ, ये ब्रेक होता है तो टारगेट यहाँ से 300 पॉइंट ऑन का आप लोग लगा सकते हो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के, अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। और स्ट्रॉन्ग ऑल साइड ट्रेड कब कर सकते हैं, 51,600 ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, बट सस्टेन होने देना, अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर देना मार्केट को, देन इसके ऊपर एक ट्रेड आप लोग कर सकते हो। ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हो सकता है इस लेवल को टच करके मार्केट एक डाउन मूव आप लोग को दिखाए, ठीक है। ये है हमारा कल का व्यू, जो एक पर्सन हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड बायो में जाके आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।